इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है ये, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है ये, मेरा श्रृंगार है। गुलशन शाह कानून के सिकंजे में आ जाए तो फिर उसके सारे जुर्म उजागर हो जाएंगे। एक एक जुर्म की उसे सजा दिलाऊंगी मैं। भगवान करे ऐसा ही हो रतिका। मेरे नाम के आंसू बहा रहे हैं, मेरी बरसी मना रहे हैं, और मैं आप लोगों को यह भी नहीं बता पा रहा कि मैं कोई और नहीं, आपका बेटा राकेश हूं। लेकिन मैं तो सिर्फ यह कहूंगा कि जितनी देर होगी ना गुलशन की गिरफ्तारी उतनी मुश्किल होगी। देखिए मुझे इस बात की भी खबर मिली है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए यहां से रवाना हो चुकी है। डॉली, आखिर वो गए कहां हैं? मुझे कुछ बताकर भी तो नहीं गए हैं। मैम आपको नहीं मालूम, सर की गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। क्या? जी हाँ मैम, सर की गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। पर सुंदरलाल ने तो कहा था कि इनके नाम का वारंट निकलने ही नहीं देगा। मैम सुंदरलाल ने कोशिश की थी लेकिन शायद वारंट उससे पहले ही निकल चुका था, और सर ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो तो प्रदर्शन करे, रैली निकाले। वो फिर ये चले कहां गए? मैम ये कोई सीधा मामला नहीं है। रितिका सर की गिरफ्तारी के पीछे लगी हुई थी, वो सर से बदला लेना चाहती है, और शायद गिरफ्तारी से बचने के लिए सर ने ये शहर छोड़ दिया है। वो सब ठीक है लेकिन हम सबको पता तो चलना चाहिए ना कि ये कहां जा रहे हैं और कैसे रहेंगे। मैम सर ने जानबूझ के हमें ये बात नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहते कि रितिका हमसे कुछ भी उगलवा सके, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। और आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही ये मामला ठंडा होगा हमारे फेवर में होगा, सर खुद ब खुद सामने आएंगे और फोन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके लिए मैं तुम दोनों को बधाई देना चाहूंगा, शाबाश। गुलशन की मौत से आज मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं अर्जुन कि तुम्हें किस कदर खुशी पहुंची। अजीब इत्तेफाक है, आज ही के दिन राकेश को गोली लगी थी और आज ही के दिन गुलशन शाह वक्त ने अपना रंग दिखा दिया। वक्त ने नहीं, हमने, हमारी सोच, हमारी साजिश, हमारी प्लानिंग ने वक्त को दोहराने पर मजबूर कर दिया। आज हमारा बदला पूरा हुआ है अर्जुन,
नहीं नहीं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें मुझे सबक सिखाना है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन तुम देखना, गुलशन शाह की मौत से बहुत बड़ा हंगामा होगा। गुलशन शाह को मारा हमने, लेकिन इल्जाम जाएगा रितिका पर। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं कि मानस ने जिसका सहारा लेकर राकेश को फंसाया था और रितिका को हासिल किया था, वही मानस और रितिका फंसे, और वो भी गुलशन शाह के मर्डर केस में। ऐसा ही होगा अर्जुन, तुम देखना, ऐसा ही होगा। तुम क्या जानो अर्जुन कि मैं क्या खेल खेल रहा हूं? तुम तो आज तक ये भी नहीं समझ पाए कि मुझे पता है कि तुम अर्जुन नहीं राकेश हो। तुम्हारे ही हाथों से मैंने गुलशन का खेल खत्म किया, और अब तुम्हारे ही हाथों से मैं मानस और रत्तिका की बर्बादी करूंगा। चाहती है कि भैया को फंसाने के पीछे सुंदरलाल का हाथ है? हाँ साक्षी, ये सच है। और एक सच ये भी है कि राकेश को फंसाने के लिए उसके घर में जो हथियार रखे थे वो और किसी ने नहीं, सुंदरलाल ने रखे थे। क्या क्या कह रही हैं आप भाभी? हाँ साक्षी, आज तक ये बात पहले बने हुए थे कि राकेश के घर में ही हथियार आए तो कहां से आए, लेकिन आज जब सुंदरलाल की सच्चाई सबके सामने आ गई है तो ये बात भी सामने आ गई है कि सुंदरलाल ने ही राकेश को फंसाने के लिए ये हथियार उसके घर में रखवाए थे। लेकिन भाभी, राकेश जी की सुंदरलाल से क्या दुश्मनी थी? राकेश जी तो सुंदरलाल के भांजे थे ना? साक्षी, सुंदरलाल आज के जमाने का कंस है, और कंस जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाभी वो मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। बोलो साक्षी। भाभी मुझे पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी, पर माँ भी सुंदरलाल से मिली हुई है। क्या? हाँ भाभी, शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, पर सच्चाई यही है कि माँ भी सुंदरलाल से जुड़ी हुई है और हमेशा उससे बात करती रहती है। ये कैसे हो सकता है साक्षी? ये नहीं हो सकता है। भाभी मैंने अपनी आंखों से माँ को सुंदरलाल के साथ फोन पे बात करते हुए देखा है। नहीं साक्षी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, अगर माँ जी सुंदरलाल से मिली हुई है, उनकी जान पहचाने, तो फिर सुंदरलाल मानस को फंसाने के लिए दूसरों का साथ क्यों देंगे? भाभी आप ही ने कहा था ना कि वो इस जमाने का कंस है, और ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जिसको सीने से लगाते हैं उसी के सीने में खंजर भी भोंकते हैं। नहीं साक्षी, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। माँ अपने बेटे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, नहीं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगी। मैं नहीं मान सकती है इस बात को। भाभी इसी बात को लेकर माँ सुंदरलाल से बात कर रही थी और सुंदरलाल को धमकी दे रही थी कि अगर भैया को फंसाने में सुंदरलाल का हाथ हुआ तो वो सुंदरलाल को कभी माफ नहीं करेगी। हेलो, क्या
जी मैं बहुत जल्द पहुंचती हूँ जी। क्या हुआ भाभी? साक्षी गुलशन शाह ब्लास्ट में मारा गया। क्या? गुलशन शाह कार बम में मारा गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है शारदा, ये खबर झूठी नहीं हो सकती। गुलशन शाह ब्लास्ट में मारा गया है और ठीक उसकी गिरफ्तारी से पहले। लेकिन ये काम अब कौन कर सकता है? ये काम किसने किया ये तो अब बाद में पता चलेगा, लेकिन इसे रितिका को बहुत इफेक्ट होगा। से हर बात का, हर सवाल का जवाब देना होगा। कैसे देगी? आप हर बात का दोष रितिका पर ही क्यों देते? क्योंकि ये सवाल रितिका पर उठेंगे। रितिका ने सिफारिश की थी कि गुलशन शाह को रात के अंधेरे में आधी रात के बाद गिरफ्तार किया जाए जब सारा शहर सो रहा है। ये सवाल भी उठेगा कि क्या रितिका उन लोगों को मौका देना चाहती थी जो गुलशन शाह को मारना चाहते थे। हे भगवान, ये कैसे रास्ते जिस पर चलने वाला ना तो थम सकता है और ना ही रुक सकता है। चलने वाला ना तो थम सकता है और ना ही रुक सकता है। और अगर चले तो पांव चल जाते। रास्ते गलत नहीं है शारदा, बस रितिका को इन रास्तों पर चलना ही नहीं आया। उसने अपना हर फैसला जज्बात में आकर किया है, इसलिए उसका हर फैसला गलत साबित हुआ है। गुलशन शाह को गुनहगार साबित करना चाहती थी ना, पर अब कैसे करेगी उसे गुनहगार साबित जब गुलशन ही नहीं रहा? क्या करेगी वो? बस डर इस बात का है कि गुलशन शाह की मौत की जिम्मेदार रितिका को ना ठहरा दिया जाए। बस डर इस बात का है कि गुलशन शाह की मौत की जिम्मेदार रितिका को ना ठहरा दिया जाए। सर ने
सर ने, सर की मौत ने आपके लिए राजनीति के सारे दरवाजे खोल दिए। अब आपको बदला लेना होगा, आपको राजनीति में आना होगा। संभालिए अपने आप को, संभालिए। रितिका, अब मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी जानू बना सकूं। वो सब कुछ करूंगी। संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए। ये सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। मत रोइए, मत रोइए। नमस्कार, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। कुछ देर पहले ही पता चला है कि गुलशन शाह को ब्लास्ट करके मार दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि आज रात को ही उनकी गिरफ्तारी थी और प्रशासन उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी कर रहा था। खबर मिली है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट हुआ और उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस खबर से प्रशासन भी आवाक है और इस खबर का सबसे ज्यादा असर होगा हमारी कलेक्टर साहिबा को। जिन्होंने रात के वक्त ही गुलशन शाह को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी किया था। कलेक्टर और गुलशन शाह के बीच में खींचातानी चल रही थी क्योंकि गुलशन शाह ने कलेक्टर साहिबा के पति के ऊपर दंगे का आरोप लगाया था। कलेक्टर साहिबा गुलशन शाह को मुजरिम करार दे रही थी। अब दोनों में कौन सच्चा है ये बात पब्लिक के सामने आनी बाकी है। आज की दूसरी खबर, प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे हैं। क्या सोच रहे हैं भाई जी? अगर दंगे के पीछे गुलशन शाह का ही हाथ था तो गुलशन शाह को मारा किसने? यह एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी, जिसमें रितिका को बोरा बनाने की पूरी कोशिश की गई। पापा, आप ये कहना चाहते हैं कि गुलशन शाह से भी कोई बड़ा है? गुलशन शाह से बड़ा है या छोटा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन गुलशन शाह को मारने की दो वजह। पहली वजह तो यह है कि जो भी जानता था कि अगर गुलशन शाह गिरफ्तार होता है तो रितिका उससे वो सारे नाम उगलवा लेगी जो उसके साथ जुड़े हुए थे। इसलिए उसने गिरफ्तारी से पहले ही गुलशन शाह को मार दिया। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा। और दूसरी वजह भाई जी? दूसरी वजह यह है कि रितिका को मोरा बनाने की पूरी कोशिश की गई। जिसने भी उसे मारा है वो जानता है कि
ऋतिक और गुलशन शाह के बीच में आना तो नहीं चल रही थी। गुलशन शाह की अगर मौत होती है तो सारी जो उंगलियां हैं वो ऋतिका पर उठेंगे। आप ठीक कह रहे हैं भाई जी, ऋतिका तो किसी भी तरह यह साबित करना चाहती थी कि मुजरिम गुलशन शाह था। दंगे में मानस का हाथ नहीं, गुलशन शाह का हाथ था। लेकिन अब जब गुलशन शाह मर चुका है, क्या ऋतिका यह साबित कर पाएगी? मैं आपसे बात कर रही हूं भाई जी, क्योंकि कानून आपसे ज्यादा और कौन जानता है। बताइए ना अब क्या होगा। गुलशन शाह की मौत ने इस मामले को पूरी तरह से उलझा दिया है शारदा। डर है कि सच्चाई जो है वो गुलशन शाह के साथ दफन हो जाए। अगर ऐसा हुआ मानस को बचाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। सुंदर वाह, वाकई क्या दिमाग पाया है तुमने, एकदम सही वक्त पर चोट की है तुमने, और क्या चोट की है।